What's up guys यार, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के। होप तुम लोग काफी ज्यादा बढ़िया कर रहे होगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ मोर्टल कॉम्बैट 1। तो यार पिछले वाले एपिसोड में केंगशी को काफी बुरी तरीके से मेलिना ने आंखों में छुरी मारा था, जिस वजह से फिलहाल केंगशी का हाल काफी ज्यादा बुरा है। अब ऐसा नहीं है कि मेलिना पहले से एक बुरी लड़की है, मेलिना को शेंगसुंग ने बराका का बोन मैरो डाल के बुरा बना दिया। और तो और मेलिना को बचाने के चक्कर में फिलहाल हम सब लोग शेंगसुंग के कैद में फंसे हुए। और फिलहाल अगर देखा जाए तो हम लोग शेंगसुंग के दया पे जिंदा। तो चलो यार देखते हैं कि आज हमारे साथ शेंगसुंग क्या करने वाला है। कोशिश तो अपना यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेंगसुंग के कैद से निकलना है। फिलहाल तो बराका शेंगसुंग के कैद में काफी ज्यादा गुस्सा है। ओके, तो बराका का ये कहना है कि शेंगसुंग ने पहले बराका की वाइफ को मारा, उसके बाद उसके चिल्ड्रन को मारा। ओके, यहाँ पर जॉनी केज भी उठ चुका है। केंगशी का हाल काफी ज्यादा बुरा है यार। How bad's the pain? Excruciating. You saved me. जॉनी और केंगशी अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट यहाँ पे बराका कुछ खासा खुश नहीं लग रहा है। देखते हैं यार अभी क्या होता है। काफी खतरनाक जेल लग रहा है ये मुझे। भाई ये बंदा कौन है? यहाँ पे बैठ बैठ कर जॉनी का दिमाग भी चकरा चुका है। अच्छा तो जहाँ पर हम लोग कह दे वो शेंगसुंग का लैबोरेटरी है। That was a false front. Reminds me of this cheap ass film I did. जॉनी भी काफी ज्यादा सैड लग रहा है। God, that was trash. यहाँ पर कोई तो आया है भाई साहब। कौन है भाई ये बंदा? काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अच्छा ये जेलर है अपना भाई। इसका चाल ढाल से ये काफी ज्यादा तगड़ा बंदा लग रहा है। ओके, तो इस बंदे ने अभी फिलहाल आके शेंगसुंग के पालतू जानवर को खाना दिया है। काफी तगड़ा बंदा लग रहा है ये। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करने वाला है। Yes. अच्छा ये अपने केंगशी का हालचाल भी पूछ रहा है, बट यहाँ पर जॉनी केज ने बताया कि केंगशी का हाल काफी ज्यादा बुरा है, तो इसने कुछ दवा वगैरह दिया है जॉनी केज को। फटाफट से इसको अपने केंगशी पे लगा के देखते क्या होता है। ओके, तो इस बंदे के बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये भी शेंगसुंग से कुछ खासा खुश नहीं है। ओके, तो इस बंदे का यह कहना है कि शेंगसुंग ने इसके फैमिली को पकड़ रखा है, और अगर ये शेंगसुंग के लिए काम नहीं करेगा तो शेंगसुंग उसके फैमिली को मार डालेगा। तो फिलहाल यार जॉनी केज यहाँ पर केंगशी के आंखों पे पट्टी लगा रहा है, क्योंकि केंगशी का हाल काफी ज्यादा बुरा है। आई होप केंगशी को इससे कुछ रिलीफ मिले। बट यहाँ पे बराका का गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इस बंदे का यह कहना है कि शेंगसुंग ने इसको शेप शिफ्टिंग सीखने के लिए बुलाया है, और ये खुद भी काफी तगड़ा शेप शिफ्टर है। I can shift only between this and my natural form. Okay. भाई साहब इस बंदे ने शेप शिफ्ट कर दिया है, काफी ज्यादा तगड़ा बातचीत है ये। Shape shift. None can accept me. ओ भाई साहब काफी तगड़ा बंदा लग रहा है ये। एंड यहाँ पर शायद शेंगसुंग आ चुका है। Are they ready? It's time. Time for what, sorcerer? बराका का गुस्सा देखो यार। Experiments. ये बंदा हम पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है। I'll use your harvested parts to build new creations. Okay. The process is fatal, of course. Liu Kang won't let you get away with this. That presumes he will ever learn what happened. But when I Liu Kang से भी नहीं डरता क्या ये बंदा? There will be no trace left of you. I shall return soon to check progress. I have other matters to which I must attend. ये अपने पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करने वाला है। एंड देखो यार ये थोड़ा बहुत बातचीत करके गायब भी हो गया। It's either you. अपने को डरा के गया है वैसे ये शेंगसुंग। और यहाँ पर शेंगसुंग इसको बोल के गया है कि इन लोगों को आजाद करना है, ताकि हम लोगों का इन बंदों से फाइट हो सके। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन भी फाइट के लिए पूरा तैयार है, और अपने पे बराका जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे एंड जॉनी केज का तो जलवा अलग है। बैक टू बैक काफी सारे बंदे आने वाले, एंड अपन तो यार पूरा पहले से ही तैयार है।
बराखा ने अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया है। काफी भयंकर सीन हो रहा है यहाँ पे भाई। बराखा पूरा गुस्सा इन्हीं बंदों पे निकाल रहा है। भाई साहब यहाँ पर केंगशी को ये लोग पकड़ के ले जा रहे, हमें फटाफट से केंगशी को बचाना पड़ेगा यार। यहाँ पे काफी गलत सीन हो गया है क्योंकि इन लोगों ने केंगशी को बंद कर दिया है और तो और अभी जॉनी केज को भी बंद कर दिया है, बट कुंगलाओ अभी भी इन लोगों से लड़ रहा है। भाई ये बंदे तादाद में काफी ज्यादा है, वरना हमसे मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। कुंगलाओ अपना पूरा फॉर्म में लड़ रहा है, बट यार ये बंदे है भी तो काफी ज्यादा तगड़ा। और कुंगलाओ को अपना हैट मिल चुका है और इसने ये मारा भाई साहब, बंदों का सर काट के कुंगलाओ ने फेंका है। और तो और साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन हो गया है क्योंकि बराखा और एक मॉन्स्टर का काफी तगड़ा फाइट स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब बंदे पे बंदे आए जा रहे, तो इनसे भी अपन लोगों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यार फाइनली काफी लंबे फाइट के बाद हम लोगों ने इन बंदों को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हराया है। बराखा इन बंदों से अभी भी चिढ़ा हुआ है। और यार यहाँ पर जॉनी केज और केंगशी को करंट लग रहा है, ये शायद से उस रेप्टाइल का काम है। मेरा शक बिल्कुल सही था। भाई साहब ये कौन है? ये तो इस मॉन्स्टर का बॉस है यार। भाई साहब इसने हम लोग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, तो फाइनली बराखा और उस मॉन्स्टर बॉस का फाइट स्टार्ट हो चुका है। भाई काफी तगड़ा बंदा है यार ये। फाइनली काफी इंटेंस फाइट के बाद हम लोगों ने इस मॉन्स्टर बॉस को हरा दिया है। बराखा से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है। तो चलो यार फटाफट से अभी जॉनी केज और केंगशी को आजाद करते हैं। केंगशी तो बेहोशी हो गया है। केंगशी का हाल फिलहाल काफी ज्यादा बुरा है, बेचारा काफी ज्यादा दर्द में है यार। I'm ruined. Sang-sun will punish me for भाई पीछे वो रेप्टाइल आ गया। अच्छा ये बंदा अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है। इसका ये कहना है कि हम लोगों ने ये फाइट जीतकर काफी बड़ा गलती कर दिया है क्योंकि हमारी वजह से इस रेप्टाइल का फैमिली खतरे में आ जाएगा, और यही सोच के इसने हम लोग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। फाइनली काफी इंटेंस फाइट के बाद हम लोगों ने इस रेप्टाइल को हरा दिया है, बट मैं इसको मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता यार। If I die, maybe he'll spare my family. Okay, तो इस बंदे का यह कहना है कि अगर हम लोगों ने इसको मार दिया तो शायद से इसका फैमिली जिंदा बच सकता है। Not that what I've done deserves yours. Okay. You are protecting your family. I would have done the same. बराखा का ये कहना है कि अगर वो रेप्टाइल का जगह होता तो वो भी सेम ही करता। और यहाँ पर शायद अपना सैंगसुंग आ चुका है। भाई ये काफी ज्यादा शौक हो गया है। यहाँ पर जॉनी केज ने तलवार उठा लिया है। Size off, you fool. You've let them ruin everything. We're going closer. बराखा भी इस पे काफी ज्यादा गुस्सा है फिलहाल। Liu Kang would like a word. I cannot be apprehended so easily. Oh shit! Shang Tsung ने यहाँ पर काफी poisonous gas छोड़ दिया है, जिस वजह से हम लोगों को सांस नहीं आ रहा है। I bid you all farewell. Cheer up, Sizoth. I'm reuniting okay. you with your family. They're dead. भाई साहब Shang Tsung का ये कहना है कि इसने reptile के family को तो बहुत पहले ही मार दिया था। I do hate Liu Kang. काफी बुरा हुआ है यार इस reptile के साथ। रेप्टाइल भी शेंगसुंग पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है, एंड यार इसने मारने का कोशिश भी करा था बट शेंगसुंग गायब हो चुका है।
अपने को यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइजनस गैस हम लोग को काफी ज्यादा इजीली मार सकता है। बट उसके लिए हमको ये वाला तगड़ा गेट तोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने पे बराका जैसे खतरनाक बंदे है भाई। बराका तो इस दौड़ को काफी ज्यादा इजीली तोड़ देगा, बट उसके लिए भी काफी ज्यादा पावर चाहिए क्योंकि ये शेंगसुंग का बनाया हुआ दरवाजा है जो कि इतना ज्यादा इजीली तो नहीं टूटने वाला है भाई। एंड ये पॉइजनस गैस हम लोगों को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है भाई साहब। फाइनली यहाँ पर बराका ने ये वाला दरवाजा तोड़ दिया है एंड हम लोग फाइनली यहाँ पर काफी ज्यादा इजीली निकल चुके हैं यार। कैंगशी को सपोर्ट देकर जॉनी और कुंगला ला रहे हैं। कैंगशी के साथ भी काफी बुरा हुआ है यार वैसे। Look at me, Cage. I'm useless. Don't risk your lives to save mine. Okay, तो केंगशी का ये कहना है कि वो अब काफी ज्यादा यूजलेस हो चुका है, इसलिए उसको बचाने पे हम लोग ज्यादा ध्यान ना दे। बट ये भाई है यार, अपना इसको ऐसे थोड़ी छोड़ के जाएंगे। और यार हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा इजीली निकल चुके हैं। यार रेप्टाइल भी अपने साथ जुड़ चुका है क्योंकि इसके साथ शेंगसुंग ने काफी बड़ा धोखा करा है यार। We need help getting Kenshi to the portal at Sundo. I can take you only to the city's gate. Okay, तो बराका का ये कहना है कि वो बस हम लोग को सिटी गेट तक ले जा पाएगा। I'll see you the rest of the way. It's the least I can do to make amends. बेचारा रेप्टाइल भी काफी ज्यादा दुखी है यार। यहाँ पर किसी खतरनाक चीज का आवाज आया जिस वजह से बराका और रेप्टाइल काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ चुके हैं और ये लोग फटाफट जा रहे उस बंदे को पकड़ने। कुछ ना कुछ तो काफी तगड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे काफी तगड़ा फाइट चल रहा है। ये बंदी भाई अकेले तीन चार बंदों पे भारी पड़ रही है यार। कौन है ये? काफी इंटेंस सीन चल रहा है यहाँ पे। Quanxi sends more demons. अच्छा, इसको लग रहा है कि हम लोग भी डीमन है। बट इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग डीमन नहीं है यार। With each of you I kill, my absolution grows nearer. तो इसको लग रहा है हम लोग डीमन है, इसलिए हम लोगों से फाइट कर रही है। फाइट स्टार्ट करते हैं यार ये फाइट। ओके, तो सामने वाला बंदा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो बट बराका के सामने सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। इफ नॉट डीमंस व्हाट आर यू? ही इज अ टेरन, आई एम अ डेनियन। ओके, तो इसका ये कहना है कि हम लोग डीमन है बट हम लोग इसको समझा रहे हैं कि हम लोग डीमन नहीं है यार। अपोलॉजीज, आई एम ग्लैड आई हैव कॉज्ड नाइदर ऑफ यू परमानेंट इंजरी। अच्छा, इसका यह कहना है कि ये काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इसने हम लोग को कोई भी परमानेंट इंजरी नहीं दिया। What is that? Just keep swimming. So, who's our femme fatale? I am Ashra, demon. अच्छा, इसका नाम आश्रा है। Why were the demons after you? They were sent by Quan Chi, my former master. But I do know that it's to aid the. आश्रा का ये कहना है कि क्वान शी इसके भी पीछे पड़ा हुआ है। शेंगसुंग तुमको हर जगह देखने को मिलेगा भाई, सबका मास्टरमाइंड शेंगसुंग ही है। तो अगर हम लोग को रोकना है तो हम लोग को शेंगसुंग को रोकना पड़ेगा। ओके, तो आश्रा का ये कहना है कि उसके तलवार में लाइट जलने का ये मतलब है कि क्वान शी हम लोगों के आसपास ही है। जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, बराका भी बिल्कुल वही बोल रहा है कि हम लोग को शेंगसुंग को पहले रोकना पड़ेगा क्योंकि सबसे खतरनाक विलन यहाँ पर शेंगसुंग ही है। ओके, तो फिलहाल आश्रा हम लोग को लीड करेगी। अच्छा, क्वांशी एक आउटवर्ल्डर है। ये रेप्टाइल बिल्कुल मस्त बंदा है भाई। जॉनी केस तो इस मूव से बिल्कुल शॉक हो गया। ओके, तो यहाँ पर आश्रा के तलवार में लाइट जल चुका है, मतलब क्वान शी हम लोगों के आसपास ही है। थोड़ा सावधान होना पड़ेगा अपने को। ओके,
भाई साहब ये क्वांश यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओके, इस बंदे के हाथ में हम लोगों को कुछ रेड डायमंड देखने के लिए मिल रहा है। Excellent, Nitara. अच्छा, इसका नाम निटारा है। I need yours as well. Darius and I have been thinking, sorcerer. Do not try to renegotiate havoc. We need proof. अच्छा, इस बंदे का नाम हैविक है। That he's delivered for Natara's Viternians is all the proof you need. Serena's okay. Right. Because of Quan Chi's magic, my realm's people are no longer poisoned by sunlight. We've finally escaped the shadows. Okay, तो निटारा का ये कहना है कि क्वान शी की वजह से उसको काफी ज्यादा हेल्प हुआ था, इसलिए वो अभी क्वान शी का भी हेल्प करेगी। तो इन लोगों ने फाइनली उस स्टोन को एक साथ कर दिया है एंड यहाँ पर ये लोग स्टोन को लगा चुके हैं। आश्रा भी ये सब देख रही है, ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर कर रहे हैं। Earth realm is in grave danger. Just one soul stealer can kill hundreds of thousands. If he unleashes a battery of their mind, millions will die. He must be stopped. इसको आशी के टीम को रोकना पड़ेगा, ये लोग काफी गलत काम करने जा रहे हैं फिलहाल तो। अपना कैंगशी भी पूरा एक्शन मोड में आ चुका है, बट जोनी फिलहाल उसको रोक रहा है क्योंकि उसके आंखों में प्रॉब्लम है यार। Which is why we don't want you tripping us up out there. Okay. Now. जोनी उसको फाइट के लिए मना कर रहा है। Why? Just give it. तो फिलहाल जॉनी केज ने कैंगशी का तलवार मांगा है और कैंगशी ने पहली बार अपना तलवार किसी बंदे के हाथ में दिया है। काफी ज्यादा इमोशनल सीन है यार ये तो। तो गाइस, आज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि क्वान शी जैसे तगड़े बंदे को हम लोग हरा पाते या फिर नहीं। आई होप उन लोगों को हम लोग काफी ज्यादा इजीली हरा देंगे। तो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।